जेई मेन्स और एडवांस में एक तगड़ा स्कोर लाने के लिए तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स स्ट्रांग होने चाहिए। बट दिक्कतें तब आती हैं जब एक पॉइंट पे जाकर हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो थोड़ी बहुत बन रही होती है पर मैथ्स नामुमकिन सी लगने लगती है। लेक्चर से थ्योरी तो समझ आ जाती है पर जैसे ही क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। इतनी सारी मैनिपुलेशंस, थ्योरम्स और दुनिया भर के फॉर्मूले रटने में ना नहीं याद आ जाती है। तो क्या हमें ये सब्जेक्ट ही छोड़ देना चाहिए? क्या सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री करने से ही अच्छा स्कोर आ सकता है? इन सब सवालों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, जिन्होंने रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है और सीरियस हो गए हैं, और दूसरा, जो फ्रॉम द स्टार्ट ही अपना कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कर रहे हैं। पहले बात करते हैं उनकी जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि तुमने रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है इसलिए आई रिकमेंड कि ज़्यादा फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रखना। इनका ट्राई करो 100% सिलेबस कवरेज हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स को हम बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। योर 75% अटेंशन शुड गो टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कम्बाइंड और 25% मैथ्स पे रहना चाहिए। कुछ क्विक हैक्स अप्लाई करने से तुम्हारा काफ़ी टाइम बच सकता है। पहला, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो और फिर साथ ही साथ उन्हें मार्क कर लो। इससे क्या होगा कि रिवीजन के टाइम पे तुम उन्हीं क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेना, जिससे तुम्हारा मस्त लेवल पे रिवीजन हो जाएगा। इसके लिए एक चैनल भी है मैथ्स अनप्लग्ड, जिसपे तुम्हें टाइप वाइज 2002 से 2023 तक के मेंस PYQs मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, अपने ही चैनल पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसपे मैंने हाउ टू स्टार्ट मैथ्स फ्रॉम जीरो बिल्कुल डिटेल में बात करी है, तो उससे भी तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग और खुलेगा। अब बात करते हैं कैटेगरी टू स्टूडेंट्स की, जो पहले से अच्छे से लेके चल रहे हैं साथ में। तो अब तक तुम्हारा एक डिसेंट पैटर्न क्रिएट हो गया होगा। स्टिक टू ओनली दैट, किसी एक चीज पर अटक जाओ तो उस पर ही स्टक मत रहना। फॉलो व्हाट योर टीचर्स आर सेइंग एंड कीप अप द प्रोग्रेस। बाकी अगर तुम कैटेगरी वन से हो या टू से, एक चीज दोनों में कॉमन है कि बेसिक्स ऐसे डेवलप करने के बाद हाई वेटेड चैप्टर्स को निशाना बनाना, उन्हें पहले खत्म करना है अच्छे से। हियर इज द लिस्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब अगर तुम्हारे पास कोई ढंग का पेड रिसोर्स नहीं है तो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें YouTube पे मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारा सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। अभी रिसेंटली जेई वाला ने एक नई सीरीज लॉन्च करी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर चैप्टर की क्विक रिविजन करनी है तो वो ईजिली हो सकती है वहाँ से, तो उसे तुम जरूर चेकआउट करना। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PW की परसेंटाइल बूस्टर सीरीज काफी इफेक्टिव है, उसमें PYQs काफी इनहांस वे में एक्सप्लेन कर रखे हैं, वहां से भी देख सकते हो। और तीसरा, नेहा मैम से भी तुम पढ़ सकते हो, दोनों PYQs के लिए और थ्योरी से भी, अगर तुम्हें कहीं और से समझ ना आए। जब तक तुम अपने अंदर से सब्जेक्ट का डर ही खत्म नहीं करोगे तब तक ये तुम्हें सताता रहेगा। इतना भी मुश्किल नहीं है, हर साल लाखों बच्चे ये चीज करके दिखाते हैं, दैट मींस तुम भी कर सकते हो। जैसा जैसा मैंने बताया है कौन से हैक्स फॉलो करने हैं, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, अगर ये सब चीजें अच्छे ढंग से फॉलो करोगे तो इस मैथ्स के सब्जेक्ट में भी तुम्हारी परसेंटाइल काफी अच्छी आ सकती है। एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करने से नहीं होगा, विद इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन मैथ्स वापस डिसाइडिंग सब्जेक्ट बनेगा। देयरफॉर जितना जल्दी समझ पाओ उतना जल्दी समझ जाओ, और जो भी A to Z प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो मिलते रहेंगे वीडियोज में, टिल देन सब्सक्राइब।